नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मु निवेदिता आरंभ करबा बुलेटिन प्रथमे हेडलाइंस बलांगीर भीमभोइ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे अघटन कॉलेज रे डाक्टरी छात्री को आत्महत्या अभियोग संध्याजनक अवस्था रे मृतदेह उद्धार परिवार आनिला हत्या अर्गस न्यूज रो बड़ प्रभाव खबर प्रसारण परे मिलिला निखोज मानसिक विकारग्रस्त युवक ठिकना पांच वर्ष पर कलाहांडी को फेरब पुओ पाछटी आनिबा को गुजरात अभिमुखे जाउछि परिवार राज्य 24 घंटे 582 संक्रमित चिन्ह 18 वर्ष कम वर्ग 83 आक्रांत क्वारंटीन 337 लोकाल केस 245 चिन्ह मोट पॉजिट संख्या 1,29,994 को वृद्धि पुणि 7 जीवन नेला महामारी आसुची आउ एक लघुचाप दशहर वर्षा भिजिब ओडिशा 10 अक्टोबर में उत्तर आंडामान सागर में सृष्टि हो लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 15 आड़ उत्तर आंध्र दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना देशर 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करेंगे प्रधानमंत्री पूर्वाह्न एकाचारे उत्तराखंड ऋषिकेश स्थित एम्स रे उपस्थित समावेश को संबोधित करेंगे मोदी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे राज्यपाल समेत उत्तराखंड मुख्यमंत्री एवं पाकिस्तान रे बड़ धरणर भूमिकंप 20 मृत्यु 200 रु अधिक भग्नावशेष तले चापी रही आशंका सोइथवा बेले थरी उठिला दक्षिण पाकिस्तान भूमिकंप रे बड़ धरणर क्षति होइतबा अनुमान युद्धकालीन भितरे उद्धार कार्य जारी आसवा संपूर्ण खबर को बलांगीर भीमभोइ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे अघटन कॉलेज रो डाक्टरी छात्री को आत्महत्या उद्यम संध्याजनक अवस्था रे तृतीय वर्ष रो छात्री निरुपमा नंदक मृतदेह मिलिछि सेबडे परिवार आनिछन्ति संगीन अभियोग छात्री को हत्या करा जाइतबा परिवार पक्षरो कुआ जाइछि झरकारी झुली केमती आत्महत्या संभव बोली परिवार प्रश्न करिछन्ति बुधवार राति रे फोन ओ वीडियो कॉल माध्यम रे निरुपमा परिवार रो बापा मां भाई ओ भौणी को सह कथा होइथिरे किंतु राति 12टा परे मेडिकल रो फोन करी जे आत्महत्या करितबा कहिथिले बलांगीर भीमभोइ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे अघटन कॉलेज रे डाक्टरी छात्री को आत्महत्या अभियोग संदेहजनक अवस्था रे तृतीय वर्ष रो छात्री निरुपमा नंदक मृतदेह मिलिछि सेपटे परिवार लोके आनिछन्ति संगीन अभियोग छात्री को हत्या करा जाइथिबा परिवार पक्षरु कुहा जाउछि तबे झरकारी झुली केमिति जणे आत्महत्या करिपारिब संभव बोली परिवार प्रश्न करिछन्ति बुधवार राति रे फोन करी भिडियो कॉल माध्यम रे निरुपमा परिवार रो समस्त सदस्यक सह कथा होइथिले फोन जोगे किंतु राति 12टा परे मेडिकल रु सिद्धार्थक घर को फोन करी कुहा जाइथिला जे झियो आत्महत्या करिछि एवं से मृत बोली डाक्टरी छात्री को आत्महत्या ना हत्या प्रसंग मृत छात्री को परिवार लोके आणिले संगीन अभियोग जे झियो को कई मारी देइतबार से अभियोग आणुछंती एवं विशेष करि झरकारी झुली जणे केमिति आत्महत्या करिपारिबो बोली परिवार प्रश्न करिछंती एवं यारी मध्यरे बुधवार राति रे अर्थात गतकाली राति रे फोन जोगे निरुपमा बापा मा एवं भाई भौणी को सहित फोन जोगे वीडियो कॉल माध्यम रे कथा होइथिले तबे ठीक 12टा परे किंतु मेडिकल रो परिवार लोकों को कॉल आसीथिला जे निरुपमा आत्महत्या करिछंती बोली तेरे सेपटे परिवार लोके निरुपमा को मृत्यु को सहज रे ग्रहण करि पारनाथि वो सेमान करो जा अभियोग जणे झरकारे झुली केमती आत्महत्या करि पारे अधिक आलोचना करबा तरुण साहू आम बलांगीर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी चंती तरुण कौन हेताई परे कारण बर्तन पर्यंत कहीं राति 12टा रु परिवार लोकों को खबर जाइथिला जे निरुपमा आत्महत्या करछन्ति किंतु परिवार लोके एपटे ओलटा अभियोग आणुछन्ति बर्तन सुधा स्पष्ट हेलाणी कि जे निरुपमाक मृत्यु कर कारण कौन
देखो निवेदिता वर्तमान आम अच्छा जो शबदा पाखे अच्छा एवं शब व्यवच्छेद हम और बलांगीर तहसीलदार अच्छा वर्तमान पर लोक अच्छा पर लोक जेहेतु पर लोकों सहित से निरुपमा नंद एगारटा सतैश पर्यंत भिडियो कल कथाई पर समस्त सहित कथाई और मेडिकल कलेज गत काली रात से बाहर की बलांगीर जो आसवे घर पाखे रोचे से घर को आज दिन एगारटे घर को पहुँचवा कथा कितु तर शब वर्तमान शबदा गृह अच्छी पर लोक अभोग कर गत काली राति एगारटा सतैश पर्यंत कथा होते हैं से समस्त सहित भल कथा होते कि अध घंटा भितर से केमी सुइसाइड कले सुइसाइड करार जो तरीका एवं परिवार लोके मेडिकल कॉलेज को पहुंचा पर्व जो अवस्था से सुसाइड करता कथा कहुच से बड़ी को अलग स्थानांतरित करा तेज आम सहित बापा अच्छा आम पचार बुझा जो आप सर जो अभोग करते आपको फोन आसला केमी गलापर आप मेडिकल कॉलेज कौन देखे सब खुला खुल सादा खाली पकड़े एंता है खाली कह आमें जो स्पॉट को देखिले जो अवस्था थिला जो सुसाइड कर झील सुसाइड करें कम हाइट रे स्टॉल टा बंधाई क्या सुसाइड जगह क्या नुह आठ डेगे किए सुसाइड कर तो आप गला बेल कहते मेडिकल को तुरंत नहीं जाता से हम तो बची बची भी पारि था आम गला जीत तार देह टेम्परेचर थी ठंडा नहीं होते बोले चाहिए बची जा पारि था मणिरूपमा नंद वार्डेन जी अच्छा से नाड़ी देखले आर मरीगला बोले आ गोटे क्या कह गए जो सहपाठी जी अंतराम मिश्र कथा से बारंबार कल करते बोले आप अभियोग कर हाँ अंतराम मिश्र तार प्ररचना इनगेसन से लगे से मरीजी हॉस्टल आर अन्य झील मैंने भी थे से मैंने समस्ते जिते तार विरुद्ध थे से मैंने बैक पेपर तक समस्त लगी ये तार क्लीयर होता बोले जेन मैं बैक पेपर लगी से मैंने असह्य कर उपयुक्त न्याय मिलवार चाहिए कौन चाहिए निहाती भाव में आप लोक देखुले आपंकर जो झील मेधावी छात्र थे सी भल पढ़ुते मेडिकल कलेज पाठपढ़ा संपूर्ण ठीक थिला सहपाठी मान बैक पेपर रही तो ये जहाँ कहते मेडिकल कलेज तरफ मेडिकल कलेज टॉपर थी से फास्ट थी सब सब झील कनु नहीं सुसाइड कर नियम नहीं न डिमांड करा तुरंत सीबीआई तदन हो आउ जो जो मैंने मो झ प्रति अत्याचार हो कार्यानुषान ग्रहण कर आम एसी दाबी करम झील जब फर्स्ट क्लास भल स्टूडेंट था ता भर जदि अत्याचार हो मेडिकल कॉलेज भितर हॉस्टल भितर ता तुरंत नहीं क्या आप निया हमको दरकार से तो मोर गुहारी देखुले निवेदिता जे परिवार लोके बे न्याय भिक्षा करुचंती एवं जेहेतु शब व्यवच्छेद होइनी आउ किछि समय पर शब व्यवच्छेद हबो वर्तमान शब व्यवच्छेद पय पूरा प्रस्तुत होय तरुण शब व्यवच्छेद पर होय त स्पष्ट होय पारे जे निरुपमा को मृत्यु हत्या ना आत्महत्या एवं यारि मध्ये परिवार लोके तांकर किछि सहपाठी को नारे अभिजोग आणुचंती तेणु ए घटना रो गोटे सठिक तदंत हेबा दरकार एवं कथा पूरा क्लियर हेबा दरकार जे निरुपमा को मृत्यु केउ कारण रो होइछि बहुत बहुत धन्यवाद तरुण साहू बलांगीर रिपोर्टर बाबद रे आलोचना करथिले अर्गस न्यूज़ रो बड़ प्रभाव खबर प्रसारण पर मिलला निखोज मानसिक विकारग्रस्त युवकों ठिकना कलाहांडी मानसिक विकारग्रस्त युवकों ठिकना मिली से भवानीपाटना ब्लक कलागुड़ा गांव पूर्णचंद्र गौड़ बोली जमापड़ी पांच वर्ष पूर्व गुजरात खटिवा को जाई से निखोज हो जाते युवक को फेराई आने को प्रक्रिया आरंभ हो पुलिस सहायतार गुजरात अभिमुखे बाहरी पूर्णचंद्र गौड़ों पर लोके गुजरात जाई निराश हो फेरी पूर्णा बापा तेज शेष भाइराल होता भिडियो को नहीं अर्गस खबर प्रसारण करापर मिली पूर्णचंद्र संधान कलाहांडी प्रतिनिधि जशवंत अंगड़ा माझी आम सहित जोड़ी होती बाबद खबर ना जशवंत
वर्तमान समय रे ए घटना रे अपडेट कोन आसुची काईकि ना ए खबर आमे प्रसारण करितले आ तार बड प्रभाव पडिची कुआ जाय परे पूर्णचंद्र को परिवार लोके ताकु फेरी पाइबे एवं गुजरात अभिमुखे बारचंती कोन अपडेट आसुची बाबत रे निश्चित भाव में निवेदिता देखो जितेबाला सोशल मीडिया रे पूर्ण गौड़ों वीडियो भाइराल है अर्गस ए न्यूज को खबर प्रसारण कर खबर प्रसारण पर जितेबाला सोशल मीडिया रे चारिआड़े जो खबर बुली बुलापर भवानीपाटनर जी राजीव लोचन शतपथी अच्छा से जो समाजसेवी जी अच्छा से घटना को पूरा अति गुरुतर सह नहीं कि से जो जो युवक जी मानसिक विकारग्रस्त जी अच्छा गुजरात में जो दादन खटियापाई बर्तमान से घर कौटी के अच्छे बोलिकी से मानने सन्धान करते सन्धान करके से सफल और जनापड़ा जे भवानीपाटना ब्लक्र करलागुड़ा गाँव रो तुलसी गौड़ अच्छा पुओ बोलिक जहाँ सूचना पाइले गत काली पर जाते भेटे और आज सका पर पूर्णचंद्र बापा जी अच्छा तुलसी गौड़ माँ बर्तमान भवानीपाटना सहर को आसी भवानीपाटनार सहर से आज ट्रेन जोगे जी गुजरात को पुओ को से आसबे राज लोचन शतपथी अच्छा आम सहित आलोचना करवा कहीं से होती मुख्य लोक बोल के आम कहीपर कहीं जदि से आज सहयोग कर न था आज जो पूर्ण आज घर को पहुँची पार ना सर प्रथम तो आपको धन्यवाद जनवि आप गोटे पदक्षेप नहीं थी जो ये जो सहयोग करमती कौन थी आज्ञा ये जो घटना कौन कह तो प्रथम सोशल मीडिया एवं जो व्यक्ति प्रथम सोशल मीडिया भाइराल करते हमीन खान नमस्कार करुचे तांकर जो मानविकता देखते आमर करलागुड़ा गाँव तुलसी गोड़ गोटे पांच वर्ष तले जो पिलाड़े मिसी हम पाइबे गोटे बापा माँ पांच वर्ष छिट मैंने आउ थे पुनर्वर देखे पाइबे घर रहा मैं तार गोटे गोटे हृदय स्पर्श कथा मुझे बेस ए विषय मैं कह पारे ना कहना बाप मार कौन हो फिलिंगस मुझे बुझीपे तो एबे केमती जिबे से कोन कोठी को जिबे से वर्तमान आमे तो एसपी सार को वर्तमान भेटि जिबु आमे सार को कहिछु आज से तांगर असिस्टेंस देबे तांगर 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 डायरेक्शन देबे देला परे आमे तांको गुजरात पठेबार व्यवस्था मु ऑलरेडी काली चिंता कर जे तांगर आज टिकट करे से जिबे गुजरात जिबे सेठी से माने तांको पुओ को देखि आनिबे कोन कहबे कि ए बोले दिनर मानव समाज को गोडे सहयोग रा हात तो बढेबा को तो समस्त कोन कहबे मेसेज देबे ना यहाँ गोटे मनुष्य कर्तव्य यहाँ मनुष्य निज कर्तव्य ग्रहण करवा कथा यहाँ मानविकता तो रहा जरूरी अच्छे मानविकता अच्छी बोली ही दुनिया बंची मोर विश्वास समस्त मो अनुरोध समस्त प्राय बहुत समस्त करती किंतु मानविकता समस्त हवा दरकार आम 50% कले भी हमें 100% लोक अच्छे 100% लोक मानविकता रहा दरकार गणमाध्यम को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद थ्रू आम जापाल ये जिनस मैंने कर सौभाग्य भी आम गणमाध्यम लगे ही आम सोशल मीडिया न था कि आप मीडिया बंधु मान था तेल बोधे से पुओं को पाई न था आम भाई लोक सोजर हाथ बढ़े बढ़िया पारि न था निश्चित भाव बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता शुणुले जे राजीव लोचन शतपथी जी अच्छा सहित आम आलोचना करूँ जे मानविकता रहा कथा निज जद मनीष भितर बोल से जहाँ कौन माँ सहित पुणि थर आलोचना करवा माँ आज आप पुओ को आउ मैंने दीर्घ पांच वर्ष पर जाता गुजरात को दादन खटियापाई आज आउ किसी दिन पर मैंने आपको भेटे केमती कौन के खुशी लगुच पु कमी जाइला आज्ञा दुभूति करवा बोली झील गोटे बेमार ही गला चली नहीं पार्लु गरीब दुखिलो झील को जतना मु बोली टा कमे जाइला भूति दुख करा नहीं किचु नहीं पु रही गला एंता को जानी मुटा आम 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 पूरा बाबू गोटे इति आधार कार्ड भोट फोटो आन तुम पु को दिखब बोली कर एबे सुनला के बहुत खुशी लगुचे एतक वर्ष नहीं भेटी पार्लु जे कंदा बुबा ही पिला के आकुल ही कंदा बुबा ही तुम परी थिलु एबे बहुत खुशी लगुचे सुनला के निश्चित भाव में निवेदिता माँ कथा आप शुणी अति के दुखर सहित मान से गोटे प्रकार दिन धरी पुओ को से देखी पार नती खुशी अच्छा खूब कम समय मध्य से पुओ को पुणी थे देखी पाइबे राजीव लोचन शतपथी जहाँ आपड़ कहते सी भी जो महान व्यक्ति हे तो सोशियाल मीडिया मध्यम से आज साजोग हाथ बढ़ाइले जो पूर्णचंद्र को पर पुणी थे फेरी पाँच बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत धांगड़ामाझी कलाहां प्रतिनिधि बाबद आलोचना करते समय एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर फिर कुछ खबर देखा
ब्रेक पर स्वागत आसवा कोरोना संपर्कित खबर को राज्य में क्रमगत किसी दिन कोरोना आक्रांतों संख्या कमुवा बेले मृत्यु संख्या रे ह्रास पाई गत 24 घंटे 582 जन कोरोना पॉजिटिव होता बेले 7 जन कोरोना आक्रांत प्राण हर मृतकों मध्य कटक और खोर्धा जिलूर दुई जन लेखाएं रही बेले ढेंकाना जगत सिंहपुर मयूरभंज जिलूर जड़े लेखाएं रही तेज आज चिन्हट होता संक्रमितों मध्य 337 जन क्वारंटीन रही बेले 245 जन लोकाल केस रही चिन्हट होता आक्रांतों मध्य 18 वर्ष कम बयस 83 जन पॉजिटिव रही पाकिस्तान रे बड़ धरणर भूमिकंप 20 मृत्यु 200 अधिक भग्नावशेष तले चापी रही आशंका रे भूमिकंप रे थरी उठी दक्षिण पाकिस्तान भूमिकंप रे बड़ धरणर क्षति होता अनुमान करा जाउछि युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य जारी रही आहतंकु हॉस्पिटल गुड़िक भर्ती करा जाइछि। पाकिस्तान रे भूमिकंप 20 मृत पाखापाखी 200 अधिक एवं भी भग्नावशेष तले चापी रही तेरे बड़ धरणर क्षति होता अनुमान युद्धकालीन भित्तिरे उद्धार कार्य जारी रही। पाकिस्तान रे बड़ धरणर भूमिकंप 20 मृत 200 अधिक भग्नावशेष तले चापी रही आशंका भूमिकंप रे थरी उठीला दक्षिण पाकिस्तान एवं भूमिकंप रे बड़ धरणर क्षति होता अनुमान करा जाउछि। आज 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को देश उद्देश्य रे उत्सर्ग करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वाह्न 11 रे उत्तराखंड ऋषिकेश स्थित एम्स रे अनुष्ठित एक कार्यक्रम रे मोदी एहि ऑक्सीजन प्लांट गुड़ी को लोकार्पण करिवे। अवसर रे प्रधानमंत्री उपस्थित समावेश को मध्य संबोधित करिवार कार्यक्रम रही। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य कार्यक्रम में उपस्थित रहिबे बोली जनापड़ी। पीएम केयर्स अधीन विभिन्न राज्य तथा केन्द्रशासित अंचल में स्थापन होता पीएसए ऑक्सीजन प्लांट गुड़िक आज कार्यक्षम हो। वर्तमान पर्यंत सारा देश में पीएम केयर्स अधीन मोट 1224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को निर्माण कर 1100 रु अधिक प्लांट वर्तमान कार्यक्षम रही जो प्रतिदिन 1750 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन होउछि। कोविड 19 आसवा परठारु भारतर मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता वृद्धि पई भारत सरकार नेतबा सक्रिय पदक्षेप गुड़िकर एहाक उदाहरण पलटि। एवं आसवा पाणीपाग संपर्कित खबर को दशहर वर्षार भिजब ओडिशा। अक्टोबर 10-10 आड़क ओडिशा को आसुची आउ एक लघुचाप। भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुजाई आसंता 8-9 तारीख मध्य उत्तर आंडामान सागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि घनीभूत हो 4-5 दिन अर्थात 15 तारीख आड़क दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल छुईब। तेज यार प्रभाव ओडिशा उपरे किभली रहिबो ता आगकु जना पड़िबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग निर्देशक मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछन्ति। बात्या नै चारियाडे चर्चा होतवा बळे एहा उपरे मॉनिटरिंग करा जाउतबा से कहिछन्ति। तबे चलित थर दशहर भिजिब पूरा ओडिशा जहाँ आकलन करघुचाप बलय सृष्टि अक्टोबर 10 आड़क ओडिशा को आउ एक लघुचाप आसुची। भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुजाई आसंता 8-9 तारीख मध्य उत्तर आंडामान सगर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि पर घनीभूत हो 4-5 दिन अर्थात 15 तारीख आड़क दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल छुईब। तबे यार प्रभाव ओडिशा उपरे किभली रहिब ताकु नै आगको जना पड़िब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग निर्देशक मृत्युंजय महापात्र सूचना देइछन्ति। तबे बात्या नै चारियाडे चर्चा होतुवा बळे एहा उपरे मॉनिटरिंग करा जाउतबा मध्य से कहिछन्ति। आउ एक लघुचाप अर्थात दशहर भिजिपे पूरा ओडिशा 15 तारीख आड़क प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो 10 अक्टोबर उत्तर आंडामान सगर में सृष्टि लघुचाप प्रभाव में 15 आड़क उत्तर आंध्र दक्षिण ओडिशा प्रबल वर्षा होगा नहीं संभावना देखा। आज आम पूर्वानुमान अनुसार 10 तारीख में उत्तर आंडामान सगर में
ଗୋଟିଏ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କିଭଳି ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଏହା କେତେ ତୀବ୍ରତା ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଏହା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ। କେତେ ପରିମାଣରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ କେଉଁ ତୀବ୍ରତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଅପଡେଟ୍ ଯେତେ ନିକଟତର ହେବ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ଚୀନ ନେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଙ୍ଗୋଲିନ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଦେଇ ମିଆଁମାର ଆଉ ସେଠାରୁ ଚୀନ ଯାଉଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ଚୀନ ନେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଙ୍ଗୋଲିନ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଦେଇ ମିଆଁମାର ସେଠାରୁ ଚୀନ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କିଲୋ ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ପଲ ମଗାଯାଇଥିଲା ପରେ ଡିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଧରାହେଲା 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି। ନୟାଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ଓ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋରୁ ଅଧିକ କାତି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାର୍କେଟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଶିକାର କରି କାତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ମାନିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏଇଟା ମୁଦି କରିବାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ପାଇଲସିଟା କମ ବୋଲି ସେଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଲି। ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ କରିନଥାନ୍ତି। ସେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋତେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ତ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ କଥା ହଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ସେ ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦେଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିକିରି ସେମାନେ ଦେଖାଉଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମ ମିଜୋରାମ ଦେଇ ମିଆଁମାର ଓ ସେଠାରୁ ଚୀନ ଏଭଳି ସିକ୍ରେଟ ରୁଟ୍ରେ ହେଉଛି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ଓ ସେମାନଙ୍କ କିଣାବିକାର କାରବାର। ହେଲେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍କୁ ଧରିବାରେ ଅସଫଳ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ବଜ୍ରକାପ୍ତା ରାକେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଦଲାଲ ଲାଲଟେନ୍ କୁଙ୍ଗାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହାପରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଦଶପଲାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସ୍ୟାନ ସୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ସୟଦ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଓ ଆଲ୍ଲା ରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଖୋଲତାଡ଼ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓ ବାଘଛାଲ ରାକେଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଅଭାବରୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ କୋଉ ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ କୋଉଠି ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ପରପେସନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ଲୋକାଲି ସେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ ମାରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଏହା ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁ କେହି ମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବା ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହାର ଅଲଟିମେଟଲି ମାର୍କେଟ କୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତା, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଏପରେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 16 କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଛାଲ, 4 ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଓ 15 ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। କେବେ ଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଲାଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରି ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।